योग ही सबसे उत्तम तरीका है आपकी कमर दर्द को हमेशा के लिए दूर करने का। अक्सर डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, MRI कराओ, एक्सरे कराओ, कहते हैं जी आ जाओ ऑपरेशन करा लो। आपको मैं बताना चाहता हूँ, सारे विश्व में जहाँ भी रिसर्च हुई है, खुद ऑर्थोपेडिक सर्जन की जहाँ जहाँ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ निचोड़ निकाला गया है कि केवल 3% लोगों को सर्जरी की ज़रूरत होती है, 97% लोगों को सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती, और केवल सरल व्यायाम से और थोड़ा देखभाल से और लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव करके आपकी कमर दर्द को हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। यदि आपको कमर दर्द हो, चलने में दिक्कत हो रही हो, तो पहले तो वज़न को कम करना शुरू करें, और वज़न कम करें कैसे, चला ही नहीं जाता, तो चलना है आपको ज़रूर चलिएगा, ये बेल्ट लगा लिया करें। बेल्ट मैंने नहीं बनाई, कहीं से भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसका लाभ है स्ट्रेचेबल होती है और इसको सपोर्ट दे देती है। जब तक आप योग से परमानेंट क्योर नहीं पाते हैं, तब तक आप बेल्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वेलक्रो लगा होता है, वेलक्रो पकड़ लेता है दूसरे को, खींच के लगाइए। ये आपने खींच के अपना साइज के हिसाब से होता है, मोटों के लिए बड़ी होती है एक्स्ट्रा लार्ज, और फिर लार्ज और फिर मीडियम और फिर स्मॉल साइज, अपने साइज के हिसाब से आप ले सकते हैं, और नहीं हो तो आश्रम से भी आपको मिल जाएगी, किसी केमिस्ट के यहाँ बात कर लीजिए। मतलब आपने वज़न अगर ज़्यादा है और बैक भी पेन करती है, वज़न को कम करना है, खान पान में कंट्रोल करके और योगाभ्यास सरल करके और योग के आसन करके, और ये बांध के चलो, डरने की जरूरत नहीं, तो इसको बांध के ऐसे ऐसे कर तो आपको तकलीफ नहीं होगी और जोर नहीं पड़ेगा और डैमेज नहीं होगा। इसके अलावा क्या होता है, कई बहन भाई ऐसे हैं मेरे पास आते हैं रोज़, क्या जी घुटने इतने डैमेज कर लिए, वज़न बढ़ा लिया, चला ही नहीं जाता, कहते हैं जी चले कैसे, दर्द करते हैं। तो आपने क्या करना है, ये नी कैप होती है जी, इसके ऊपर पहन के यहाँ, ये आप कोई भी पहन सकता है, ऐसे सरल तरीका है, यूँ किया आपने और ये खींच लिया, तो क्या है कि आप एक्सरसाइज मत छोड़िए, जब चलना पड़े सीढ़ी चढ़नी पड़े, और नहीं तो फिर डैमेज होता है, अगर आप बोझ डाले जाएंगे तो फिर डैमेज हो जाता है, डैमेज मत करिए, और इनको ये करें, और व्यायाम आपको बताने जा रहे हैं, पहले भी करा रहे हैं, वो ज़रूर करिएगा, बैकएक के लिए, स्पोंडोलाइटिस के लिए, घुटनों के लिए, बड़े सरल व्यायाम है। इसी तरीके से मान लो कईयों को कलाई में दर्द होती है, ऐसे लगाया और वेलक्रो लगा दिया, यानी बहुत सारी चीज़ें, मेडिकल साइंस ने भी बहुत तरक्की की है, हर चीज़ का लाभ लीजिए, कोई अगेंस्ट नहीं होना किसी चीज़ के। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, कई लोग मेरे पास आते हैं बोले जी बेल्ट लगाई थी डॉक्टर साहब ने बताया था, बेल्ट लगाए रखते हैं हर वक्त, उससे मसल डैमेज हो जाते हैं बिल्कुल, तभी लगाइए जब आपको स्ट्रेन डालना हो, अदरवाइज दो, और खाने से पहले उतार दीजिएगा, खाने के 3 घंटे बाद ही पहनिएगा, नहीं तो इससे और खराबियां आने का डर रहता है, और हर वक्त नहीं लगा के रखें। इसके अलावा काफ़ी माताएं बहनें आई थी बोले जी एड़ी में बड़ा दर्द होता है, ये आम बीमारी होती जा रही है आजकल, एड़ी के लिए इतना बढ़िया सिलिकॉन का बना है जी, पैर जूते में रख दीजिए उसी वक्त एड़ी का दर्द खत्म, कुछ नहीं करना आपको, केवल आपको जूते के अंदर ही एड़ी का वो छोटा सा एक हील पैड है सिलिकॉन का, ये देखिए बहुत सरल है, कुछ नहीं करना, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, कोई दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं, आप इसको जूते के अंदर रख दीजिए और समझो आपका उसी वक्त दर्द खत्म हमेशा के लिए। अंदर में असल में पैडिंग होती है, वो घिस जाती है, इंसान को दर्द करता है, हम लोग ध्यान नहीं देते कौन सा शूज पहन रहे हैं, कैसे अपने कोई पैरों को अब्यूज कर रहे हैं, इसलिए ये पैडिंग अंदर का घिस जाता है, तो ये आप रख के चलिए, जिसको भी तकलीफ हो पहन के चलेगा कहेगा जी मुझे एकदम दर्द निकल गया,
ये कोई दवाई नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये भी ज़रूरत नहीं रहेगा। आप अपने व्यायाम करते रहिए, उसमें ताकत आ जाएगी, खून चलेगा और आपका दर्द वगैरह खत्म होगा। आप करेंगे उष्ट्रासन, घुटनों पे और टोल पे खड़े हो जाएंगे और हील के ऊपर जाके हाथ रख देंगे। अभी एक रखिएगा, अब सिर पीछे लटका दीजिए। इससे आपका मोटापा खत्म होता है, आपकी कमर बड़ी मजबूत होती है। सिर पीछे लटका दीजिए, बशर्ते कि आपको हर्निया ना हो, शैटिका ना हो, बहुत ज़्यादा कमर दर्द ना हो, तभी ये करिएगा। और सांस लीजिए वहाँ जाके दो चार बार। टोज को खड़ा करिए जैसे इन्होंने किए हुए, टोज को खड़ा करिए धरती पर। श्वास भरें छोड़ें, भरें छोड़ें नासिका से। अब बाहों को चेंज करिए, वापस आ जाइए, बाहों को चेंज करके करिए। पीछे लचक दीजिए, आर्चिंग करिए, सिर को सेंटर में कर दीजिए, बाहों ऊंची रहेगी आसमान की तरफ। अब वापस आएंगे, अब इनको देखें आप, दोनों हाथ हील के ऊपर, सिर पीछे लटका, टोज को खड़ा रखिएगा, दोनों हाथ हील्स के ऊपर। इसे कहते हैं उष्ट्रासन, सिर पीछे। झुर्रियाँ नहीं आती थी कभी भी आपके गर्दन में, चेहरे में भी रौनक बनी रहती है। घुटने खोल के रखिए और आर्च करिए पीछे। पूरा ना भी हो सके तो धीरे धीरे रोज करेंगे तो होने लगेगा। पेट में सांस भरेंगे नासिका से, डीप ब्रेथ लेंगे और छोड़ेंगे, बहुत लाभ मिलता है। रोज करते रहिए, थकावट दूर, टेंशन खत्म, और कभी दर्द आएगा नहीं कमर में ना गर्दन में, कंधे भी बलशाली रहेंगे। कई कई घंटे आप पढ़ाई का लिखाई का काम कर सकेंगे, शक्ति से ओतप्रोत रहेंगे। वापस आ जाइए, चेहरे पर रौनक आएगी, खून दौड़ता है। आप पाँव को सामने फैला लीजिए और पैर खोल के नाड़ी संचालन करेंगे। ये बड़ा सरल तरीका करें आप, ऐसे शुरू शुरू में यही किया करें, टांगे सीधी नहीं करें, बाहों को सीधा रख के बाएं से दाएं करिए। खूब मूवमेंट करें, दायां बाजू बाएं टो को छुएगा और बायां बाजू दाएं पंजे को, दायां हाथ बाएं पांव को और बायां हाथ दाएं पांव को पंजे को छुएगा। घुमाते रहिए, सांस भरें और छोड़ें, श्वास भरें और छोड़ें। बहुत बढ़िया, अब एक सरल आसन कर लीजिए, अर्धचक्र आसन करेंगे। इसके बाद अर्धचक्र आसन, घुटने मोड़ लीजिए और अर्धचक्र आसन करें। ऐसे करिएगा अर्धचक्र आसन, पांव खोल के रखें, घुटने मोड़ लें थोड़ा, ऐसे उठा दीजिए, सिर पीछे लटका दीजिए, सांस भरिए छोड़िए, भरिए छोड़िए। माय नेम इज मनीष अरोड़ा। I was suffering from back problem, spinal problem for last 9 years. तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवाइयाँ बोली, कोई बोलता है एनर्जी ले लो, कोई बोलता है पेन किलर ले लो, एक्सरसाइज करो, ये करते करते फिर इतना टाइम निकल गया। तो मेरी एक दीदी थी, उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया, फिर मैं यहाँ आया, गुरुजी से मिला। गुरुजी ने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि आप हमारे पास आइए, हम आपको जो पोस्चर सिखाएंगे उसमें आपको राइट प्रैक्टिसेस, जो कि हम नॉर्मली नॉर्मल लाइफ में इग्नोर कर रहे थे। और वही एक जो चीज मैंने 6 दिन के अंदर सीखी है कि कैसे हमें सोना चाहिए, किस तरह के पोस्चर में सोना चाहिए जिससे हमें आराम मिले, ज्यादा देर तक अगर बैठना है तो कैसे बैठें। जैसे शोल्डर्स में मेरे को पेन रहता था, गुरुजी ने एक इतनी बढ़िया चीज निकाली है जो कोई सोच भी नहीं सकता, एकमात्र चुन्नी बांधने से ही वो सब ठीक हो जाता। और हम जाते रहते डॉक्टर के पास, बेल्ट लगा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, तो वो एक अमेजिंग जो चीज मेरे को मिली तो बहुत अच्छा रहा। उससे बिल्कुल शोल्डर्स ऐसे पोस्चर सीधा रहता है, तो वो हमेशा हेल्प करता है। मैं पढ़ने बैठता हूँ तो हमेशा उसको लगाकर बैठता हूँ। तो अभी जितने दिन से मैं यहाँ हूँ, बॉडी को क्लीनिंग हुई, शुद्धि क्रियाएं की,
फिर जो पंचक्रम क्रियाएं हैं, कटिवस्थि है, ग्रीवावस्थि है, शिरोधारा है, जल क्रियाएं हैं, मसाजेज होती हैं, स्टीम बाथ, वो तो मैं भूल ही नहीं सकता, इतना आनंद मिलता है स्टीम बाथ के बाद में, वो होना जरूरी है जिंदगी के अंदर। उससे दर्द में बहुत राहत मिली है, क्योंकि उसके बाद से तो ऐसे लगता है कि हाँ बॉडी में जान है। इतना जो पुराना दर्द था मेरा, वो 6 दिन के अंदर, आई एम रियली अमेज्ड कि हाँ 6 दिन में इतना रिजल्ट निकलेगा, और निकला। एक एक पेशेंट को गुरुजी पर्सनली जाके मिलते हैं, पर्सनली पूछते हैं। आई ऑलवेज थैंक गुरुजी और मेरी दीदी जिन्होंने मेरे को यहाँ का रास्ता दिया। डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों और योग चिकित्सकों से निराश बहन भाई योगीराज लालजी महाराज से मुफ्त परामर्श करें। योग दिव्य मंदिर, सेक्टर 6, आर के पुरम, नई दिल्ली।